मिस इंडिया रह चुकी इस एक ट्रेस ने 16 की उम्र में गए शख्स को किया था डेट। सच जानकर पहुंची सदमे में पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली। 7 साल बाद एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं। सेलिना डॉलर ट्री ब्यूटी ऋतु पर्णो घोष सीजन्स ग्रीटिंग्स फिल्म के जरिए दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक देने को तैयार है। हाल ही में इंटरव्यू के दौरान सेलिना ने फिल्मों में वापसी को लेकर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही सेलिना ने अपनी जिंदगी से जुड़ा ऐसा राज बताया जिसे शायद ही आप जानते होंगे। सेलिना जेटली ने यह खुलासा हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए किया। सेलिना ने इंटरव्यू के दौरान कहा, दैश कोलकाता में एक गए मेकअप आर्टिस्ट मेरा बिल्कुल माँ जैसा ध्यान रखते थे। वह मेरे मॉडल के तौर पर मेरे स्ट्रगल के दिन थे। इस दौरान मैं एक गए आदमी के साथ रिलेशनशिप के सदमे में थी। वह अधेड़ उम्र का था और मेरी उम्र महज 16 साल थी। उस समय कुछ लोगों की बेवक्त मौत ने मुझे बदल दिया था। सेलिना ने इंटरव्यू में कहा, दैश तब मुझे समझ में आया कि सबको यह हक है कि वे किसके साथ रहे। उस समय मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। कई साल तक मैं LGBT एक्टिविस्ट रही थी। UN ने मुझे इसी काम का गुडविल एम्बेसडर भी बनाया था। कमबैक फिल्म की बात करते हुए सेलिना ने कहा, दैश मैं काफी समय से ऐसी कहानी ढूंढ रही थी जो मुझे एक परफॉर्मर के तौर पर उत्साहित करे। ऋतु पर्णो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। सेलिना ने बताया, दैश जब इस फिल्म की कहानी मैंने दुबई में सुनी तो मैं काफी प्रभावित हुई। यह फिल्म माँ और बेटी के रिश्ते पर आधारित है। इस फिल्म में सेलिना बेटी का किरदार निभा रही हैं। आपको बता दें, सेलिना जेटली ने साल 2001 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद उन्होंने फरदीन खान के साथ जानशीन फिल्म से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। सेलिना ने एक के बाद एक कई फिल्में की, लेकिन वे बॉलीवुड में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। इसके बाद साल 2011 में बिजनेसमैन पीटर भाग से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली। सेलिना के 4 बच्चे हैं। साल 2012 में उन्होंने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था जिनका नाम विराज और विंस्टन है। इसके बाद साल 2017 में दोबारा मां बनी और फिर से उन्हें जुड़वां बच्चे हुए।